ये बॉन्डिंग डे में जो 11:48 पर ये कीकअप हो मुकाबला हर चप्पा शुरुआती समय से जाते इस पर खड़े उतर नहीं था 10 नंबर के खिलाड़ी अगर की बात करते ये युवा खिलाड़ी है सुनील और सुनील से बड़ी चुप होता हुआ शुरुआती समय में मंगल मंगल साथी खिलाड़ी के लिए यहाँ पर 7 नंबर के 15 कुछ समय के लिए साथी खिलाड़ी को निहरता रहा सीधी जॉन को भेज दिया लंबे कद के खिलाड़ी 2 नंबर पर छोटी छोटी पास इस बार गेंद को क्रॉस करना चाहा था सफल नहीं हुई पूरी तरह से लेकिन यहाँ पर 10 नंबर पर खिलाड़ी एक जुबा खिलाड़ी की बिछा इस बार को कोशिश सभी के मौका बनेंगे लेकिन खतरे से बाहर कुछ समय के लिए लेकिन दोनों टीम बहुत ही बेहतरीन आक्रमण के साथ एक ही आक्रमण की शुरुआत करते हैं दोनों टीम चाहे हम बात करें जादूगुड़ा की या हम बात करें टीम हर तोहफा की बिल्कुल काफी हर स्टाइल खिलाड़ी मुन्ना जादूगुड़ा से आज एक अहम भूमिका को अदा कर रही है खिलाड़ी के लिए बार बार एक मौका बनी होगी 10 नंबर खिलाड़ी बॉक्स के अंदर गए लेकिन यहां से गेंद को रिलीज किया गया हर तोहफा अभी भी मौका मिलेगा जादूगुड़ा के लिए बार बार आक्रमण करने की कोशिश करते हैं यहां पर DRS जादूगुड़ा अभी भी जादूगुड़ा के कब्जे में गेंद है जॉन चेंज किया है 2 नंबर के खिलाड़ी के लिए मुन्ना आमने सामने और फिर से 2 नंबर के साथ 2 नंबर पर बात करते हैं साहिश मुर्मू जो कि लंबे कद काठी के खिलाड़ी नंबर की बात तो बार बार एक अच्छी आशीष किया अब तक राम टूडू रिजवान सिने चपटे के बाद अभी भी 6 नंबर के बाद साथ को आ रही 8 नंबर के लिए एक मौका जरूर होगी लेकिन 2 में से उनको ब्लॉक करने की कोशिश की अभी भी उनके कब्जे में गेंद 8 नंबर के खिलाड़ी काफी चौकन्ने और सतीर और दुरुस्त से एक पास को निकलते हुए बार गेंद बिल्कुल डेड जोन में था जिनसे थोड़ी सी बाहर पलिया जैसे मध्य में गोलकीपर लेकिन पूरा एक कीपर है ना खुद ही आगे से गिर लड़ाई नहीं है तो क्या करेगा बिल्कुल बात होती है इनको थोड़ी सी दबाव थी यहाँ साफ ऐसे झलक रही है कि दबाव भरी छड़ों में गेंद को जरूर देते लेकिन उनका अनुरूप नहीं रहा और गेंद काफी बेकार का प्रयास BTMS भारतों पर टीम की तरफ से क्योंकि दोनों ही एक योद्धा टीम है एक मजे हुए गोलकीपर पर भारत के लिए और धीरे धीरे यहाँ पर 5 बोल से आक्रमण की तैयारी करते हैं पर BTMS हर तोपों की टीम 10 नंबर सुनील गेंद के साथ आगे आना चाहेंगे लेकिन यहाँ पर मंगल से पार करना उतना आसानी होगी क्योंकि मंगल एक बैक स्टॉपर लाइन के पोजीशन के खिलाड़ी है एक सशक्त और बेहतरीन डिफेंडरों में से एक ऐसा आपको निकलना ऐसे आपको महसूस करनी होगी इस बार मंगल को बीट की जरूरत है लेकिन गेंद इस बार कुछ सकले DRS पहला चांस था इस तरह से काफी खिलाड़ी को थोड़ी सी हताश महसूस होने नहीं दिए रही है कि और एक हमें मौका मिले तो शायद कुछ टीम का तार हम परिणाम लेकर वापसी करेंगे जरूर इस तरह के अपने हाथ के इशारे से साथी खिलाड़ी को थोड़ी सी उसको हताश महसूस होने नहीं दे रहा था इस तरह से इशारा करती है प्रूफ आपूर्ति गेंद अपने से बाहर के लिए यहाँ पर रूपा फूर्ति गेंद को कंट्रोल के दरमियान में गेंद आगे लगी और यहाँ हेड बॉल होता हुआ
एक सुरक्षित किक लेंगे यहाँ पर जादूगर मुन्ना और सीधी गेंद तो डाला गया है लंबे कद का टिकी खिलाड़ी जरूर मौजूद थी यहाँ पर महेश इससे पहले भी पीछे टीम के खिलाड़ी ने इस मौके को अंजाम देता हुआ आक्रमण करने की कोशिश इस बार सुधीर बिल्कुल मिड हाफ फील्डर के रूप में हालांकि फिर जैसा देखा जाए तो एक पूरी शेट टीम को बीच में उतारा है आज बीटीएमएस हरतोपा बिमल लेकिन गेंद मदद से बाहर बिमल छोटी स्पेस में थोड़ा सा पिछले हिस्सा अधिक लड़ी होगी यहाँ पर खिलाड़ी को दस नहीं खेलने का मौका हो सकता है नॉट कर सकते थे पीछे लेकिन डी आर एस एस उम्मीद पर अपने आप को ढाल बनता रहा और गेंद को सही समय पर डिलीवरी किया गेंद को कोई खतरा होने नहीं दी गेंद को कोरा होने नहीं दिया शायद क्रॉस हुई थी गेंद जी हाँ कोरा का मौका मिलेगा क्योंकि कोरा लाइन को क्रॉस कर चुका था गेंद फंसा को पानी अभी भी मौका मुन्ना के लिए बिल्कुल एक सही पोजीशन से गेंद को डाला यहाँ पर दस नंबर डाली गई यहाँ दस नंबर श्याम छीने छपे के बाद अभी भी मौका श्याम एक जुबा खिलाड़ी है लेकिन पूरे सफर प्लेयर ने ही काफी पावर देना चाहा ऐसे गेंद को सिर्फ और सिर्फ एक लौटे किक के अगर रखा जाता तो सीधे सेकंड पर पोस्ट पर ये निशाना बन जाती है या विकल्प के तौर पर हेडर के रूप में आपके दूसरा अग्रिम पंक्ति विकेट जोन के खिलाड़ी को मौका मिल सकता है लेकिन